हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम 625 बटा 1296 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड, 625 बटा 1296 है, तो इसका हमको वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको वर्गमूल निकालने के लिए ऐसे लगा लेते हैं। तो ये हमारा वर्गमूल का प्रतीक हो जाता है कि हमको इसको वर्गमूल निकालना है, 625 बटे 1296। तो ऐसे हम वर्गमूल का चिन्ह लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, 625 और 1296 का गुणनखंड करेंगे। तो 625 का सबसे पहले गुणनखंड करते हैं, तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड, ये तो दो से भी नहीं कटेगा, तीन से भी नहीं कटेगा, चार से भी नहीं कटेगा, तो पाँच से काटते हैं। पाँच से कटेगा तो पाँच से काटने के पाँच एक कम पाँच हो जाता है, एक हासिल बच जाता है। यहाँ पे 12 हो जाएगा, 5 गुना 10 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, 5 25 25 हो जाएगा। अब क्या करेंगे फ्रेंड, इसको हम 5 से काटेंगे फिर से, तो 5 से काटेंगे तो 5 गुना 10 हो जाएगा, अब 5 25 25 हो जाएगा। फिर से फ्रेंड 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 25 25 हो जाएगा। अब फिर से 5 से काटते हैं तो 5 एक कम 5 हो जाता है। तो हमारा 625 का गुणनखंड जो बना है, यहाँ पे 5 गुने में 5 गुने में 5 गुने में 5, मतलब 5 का 4 बार गुना है। अब फ्रेंड 1296 का गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे क्योंकि 2 से कट जाएगा संख्या। तो यहाँ पे पहले 6 बार में आ जाएगा, फिर 9 को काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा, फिर यहाँ पे एक शेष बच जाएगा यहाँ पे, तो 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 बार में कट जाएगा। अब 2 से फिर से काटेंगे फ्रेंड, 2 से जब काटते हैं 3 बार में 6 कटेगा, यहाँ पे 2 बार में 4 कटेगा, 8 जो है 4 बार में कट जाएगा। अब फिर से 2 से काटेंगे फ्रेंड, क्योंकि 2 से कट जाएंगे संख्या, तो यहाँ पे 2 कम 2 हो जाएगा, 1 बच जाएगा हमारा, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर से 2 से काट लेंगे तो 2 8 16 हो जाएगा, 2 कम 2 हो जाएगा। अब 2 से काटेगा नहीं तो 3 से काटेंगे, 3 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 बच जाएगा तो 21 हो जाएगा, 3 सते 21 हो जाएगा। फिर से 3 से काटेंगे, 3 9 27 हो जाएगा। फिर से हम 3 से काट लेते हैं तो 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9 हो जाता है, तो 3 बचा। फिर से 3 से काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा, 3 एक 3। तो हमारा ये 1296 का गुणनखंड बन गया। तो फ्रेंड 625 हमको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 625 को 625 बट्टा में ऐसे करके 1296। अब 625 का हम 625 को यही फ्रेंड हमारा गुणनखंड बन गया है। 625 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ये जो 625 है इसका गुणनखंड क्या बना है, 5 गुने में 5 गुने में 5 गुने में 5, 4 बार आया है। इसको हम इस प्रकार लिख दिए 625 को फ्रेंड, गुना करेंगे तो वही आ जाएगा 625। और इसको हम इस प्रकार लिखते हैं जो 1296 है, यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। तो फ्रेंड यहाँ पे जो गुणनखंड 1296 का है उसको हम इस प्रकार यहाँ पे लिख दिए हैं। अब क्या होगा फ्रेंड, अब इसको क्या करेंगे हम, अब इसका क्या करेंगे, जोड़ा बनाते हैं, दो दो का जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पे 5 का एक जोड़ा बन जाएगा यहाँ पे, और एक जोड़ा यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ पे जोड़ा बनाते हैं तो 5 का 2 जोड़ा बन गया,
और यहाँ पे दो का बनाएंगे, एक जोड़ा यहाँ पे बन जाएगा, एक जोड़ा यहाँ पे बन जाएगा, और तीन का बनाते हैं, एक जोड़ा यहाँ पे बन जाएगा, एक जोड़ा यहाँ पे बन जाएगा। वर्गमूल का मतलब होता है फ्रेंड दो का जोड़ा लेकर एक बाहर निकाल लेंगे। तो दो का जोड़ा लेकर एक को हम बाहर कर लेते हैं, दो का जोड़ा यहाँ पे है, दो जोड़ा है पाँच का, एक हम बाहर कर लेंगे। और फिर यहाँ पे पाँच का एक जोड़ा है, एक बाहर हम कर लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे करते हैं क्या, यहाँ पे फ्रेंड दो का जोड़ा है एक, तो इसको भी बाहर कर लेंगे दो को। फिर एक जोड़ा यहाँ पे है तो इसको भी बाहर कर लेंगे। यहाँ पे तीन का एक जोड़ा है तो इसको भी बाहर कर लेंगे। फिर एक तीन का जोड़ा बचता है तो इसको भी बाहर कर लेंगे। अब फ्रेंड हमारा क्या आ गया, यहाँ पे पाँच से गुना कर लेते हैं, पाँच पच्चे पच्चीस आ जाएगा। बच्चा में क्या आ जाएगा, दो दुना चार, तीया बारह, तीया छत्तीस। तो फ्रेंड ये हमारा कटेगा नहीं, तो ये हमारा आंसर हो जाता है 1200। यहाँ पे छियानवे का 36 हो जाएगा और 625 का 25 हमारा वर्गमूल हो जाएगा। तो फ्रेंड उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।